नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर जो कोरोना प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के जो गठन किया जाना है, वो गठन करने के बाद दोस्तों पंचायत दर्पण पोर्टल पर उसको ऑनलाइन कहाँ पे दर्ज करना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों मैंने पीआरडी पोर्टल खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने पंचायत की यूजर आईडी पासवर्ड से मैं यहाँ लॉग इन कर रहा हूँ। ये लॉगिन हो गया है, मोबाइल नंबर सही है पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने होम पेज पे ही आपको अभी पूरा पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर की पूरी जानकारी जो फिल करनी है वो सारी डिटेल यहीं पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्रबंधन मॉनिटरिंग समिति का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे फीडिंग करनी है वो आपको इस ऑप्शन से मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं तो होम पेज पे भी आप क्लिक करके वापस इसी जगह पे आ सकते हैं। इसके लिए आप जैसे होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वही पेज आपके सामने खुलेगा जो अभी हमने देख रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम है वो पंचायत कोरोना प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति गठन व उसके कार्य संबंधित आदेश निर्देश है यहाँ पे, तो वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे पंचायत कोरोना प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति पंजीयन, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ यस और नो करना है। तो जैसे आपको गठन आपकी पंचायत में हो चुका है तो यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे गठन का दिनांक और समिति सदस्यों की संख्या यहाँ पे डालनी है। तो ये मैं दोनों चीज़ डाल देता हूँ। ये दोनों कॉलम फिल करने के बाद आपको जानकारी सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। ये सक्सेस का मैसेज आ गया। अब दोस्तों इसी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो है पंचायत कोरोना प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों का पंजीयन, ये भी आपको करना है। ये दोनों ऑप्शनों पे आपको काम करना है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे जो हमने 10 सदस्यों का नाम वहाँ पे संख्या डाली, उन 10 ही सदस्यों का आपको यहाँ पे सदस्य का नाम, उनका सदस्य का पदनाम और उनका मोबाइल नंबर एक एक करके डाल के आपको यहाँ पे पंजीयन सदस्य का पंजीयन करें पे क्लिक करना है। तो एक हम करके देख लेते हैं। इसमें समिति में जैसे सदस्य सरपंच प्रधान को भी लेना है तो मैंने उनका नाम डाल दिया, पदनाम मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सदस्य का पंजीयन करें पे क्लिक करना है। ये सक्सेस का मैसेज आ गया, मतलब एक हमारा नाम यहाँ पे समिति में जुड़ गया। इसी तरीके से आपने जैसे 10 सदस्य लिए हैं, 12 सदस्य लिए हैं, उसके निर्देश आपको यहाँ पे मिलेंगे किस किस को आपको ले कौन कौन आप अपनी समिति उसमें ले सकते हैं। और दोस्तों एक ग्राम पंचायत स्तर की पूरी समिति है, गाँव वाइज अलग अलग समितियाँ नहीं है, ये एक ग्राम पंचायत की पूरी एक समिति बननी है। तो आप इस तरह से बना के और उसको यहाँ सभी सदस्यों के नाम यहाँ पे एंटर करके उनका पंजीयन कर दें। अब दोस्तों इसकी यदि रिपोर्ट देखना हो तो आप लॉगिन पे तो आपके पास अवेलेबल है ही जानकारी। लॉगिन से बाहर यदि आपको रिपोर्ट देखना हो तो मैं देखिए पीआरडी पोर्टल होम पेज खोला हुआ है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर जो पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, सबसे पहले ही ऑप्शन उसी का आ रहा है जो समिति हमने अभी बनाई है। यहाँ पे देखें समिति नोटिफिकेशन की प्रगति, जिलेवार, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार। जिस ग्राम पंचायतवार मुझे देखना है तो यहाँ पर ग्राम पंचायतवार क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, जनपद सेलेक्ट की और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। तो आपकी इस जनपद की सारी नाम यहाँ पे देखिए, एक ये समिति पहले से बनी हुई है, दूसरी समिति मैंने अभी बनाई है, तो यहाँ पे तुरंत रिपोर्ट में भी शो होने लगी है कुल समिति जिनका गठन किया गया है और समिति में कुल सदस्यों की संख्या। इस तरह से दोस्तों आपको ये करना है। यहाँ पे आप रिपोर्ट में चेक भी कर सकते हैं कि आपकी समिति रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।